कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इतिहास में इसके ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं दोस्तों। साल 1933 में जर्मन पार्लियामेंट पर आग लग गई थी। इसके पीछे आरोप एक कम्युनिस्ट आदमी पर डाला गया। हिटलर उस वक्त सिर्फ एक चांसलर था, लेकिन इस हादसे के बहाने से उसने पूरे देश में डर का माहौल फैलाया और देश का संविधान बदल डाला। इस हादसे के सिर्फ एक महीने बाद उसने ऐसे कानून पास किए जिसमें लोगों का बोलने का, लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। और पता है क्या, बाद में पता चला कि पार्लियामेंट में आग लगाने वाले लोग हिटलर के नाज़ी पार्टी के ही लोग थे। कुछ इस तरीके से जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हुई थी। ऐसे इंसिडेंट्स को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है और पुतिन ने भी यही किया था। साल 1999 में रशिया में भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लोगों के घरों में, जहां पर 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पुतिन उस वक्त नया नया प्राइम मिनिस्टर बना था रशिया का, और इस हादसे का आरोप उसने सेपरेटिस्ट लोगों पर डाला। लेकिन इन हादसों का इस्तेमाल किया जाता है पूरे देश में डर का माहौल फैलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देश खतरे में है सेपरेटिस्ट लोगों से, और अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो पुतिन ही है। कुछ ही महीने बाद पुतिन देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। बाद में पता चलता है इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ था। वहां के ऑपोजिशन ने मांग भी उठाई थी कि इन बॉम्ब ब्लास्ट में एक पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन पुतिन ने नहीं होने दी। एक इंडिपेंडेंट पब्लिक कमीशन भी बनाया गया था, लेकिन उसके दो मेंबर्स की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में मौत हो गई और तीसरे को जेल में डाल दिया गया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे पुतिन का खुद का ही हाथ था। यही चीज हाल ही में भी देखने को मिली, जो हमला हुआ था इसी साल रशिया में। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रशिया को बताया था कि हमला हो सकता है, लेकिन रशियन एजेंसीज ने कुछ नहीं किया। वैसे पुलवामा हमले के बारे में भी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट मौजूद थी, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया। याद है ना सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था इसके बारे में, और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो आरडीएक्स आया कहां से था। आज इलेक्शन का समय चल रहा है दोस्तों, तो मैंने सोचा ये चीजें आपको बता दूं। डर दिखाकर कोई आपके दिमाग की पॉकेट ना मार ले, डर फैलाकर कोई आपका वोट ना छीन ले जाए। सावधान रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी देशवासियों को जागरूक किया जा सके। जय हिंद।